हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा वेगा कर्लर का रिव्यू और एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन। मैं कुछ महीने पहले ही एक कर्लर खरीदा था, तो उसको मैंने तकरीबन 5-6 बार यूज कर चुकी हूँ, तो इसलिए उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, और हाँ, एक डिटेल रिव्यू। तो विदाउट एनी टाइमर्स चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्लर जो अच्छी तरह से एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आया था, मैंने इसको खरीदा था जनवरी का एंड में, तो उसका जो कार्डबोर्ड है मैंने नहीं रखा है, वो मैंने फेंक दिया है। तो ये बहुत अच्छी तरह से पैकिंग होके आया था। इसका फुल नेम है वेगा VHCH01। ये 19 मिलीमीटर का इसका जो बैरल है, ये जो है ये 19 मिलीमीटर का है। तो आपको ऐसे VHCH01, 02, 03 ऐसे ऐसे करके ऑनलाइन में मिल जाएगा, जिसका अलग अलग बैरल साइज होगा। तो मैंने जो खरीदा है वो है 01 19 मिलीमीटर का, कुछ इस तरह दिखता है। इसमें जो है एक सिरेमिक कोटिंग दिया हुआ है। सिरेमिक कोटिंग देने से क्या होता है, आपका हेयर बहुत ही सिल्की लगेगा, इसको कर्ल करने के बाद बहुत ही सिल्की एंड स्मूथ भी लगेगा। सिरेमिक कोटिंग से आपका हेयर का जो डैमेज है वो भी थोड़ा सा कम होता है, बट थोड़ा सा कम। आप जब हेयर कर्ल करेंगे तो हेयर को अच्छी तरह से होल्ड करने के लिए यहाँ पे ये जो क्लैंप है ये दिया हुआ है। अगर ये प्लेन होता तो जब आप कर्ल करेंगे तो ये फिसल जाने का चांस रहता है। तो यहाँ पे एक अच्छी तरह से क्लैंप दिया हुआ है, जो क्लैंप के अंदर से आप अपने हेयर को फंसा सकते हैं और टाइटली कर्ल कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट, इसके नीचे ऐसे एक सेफ्टी स्टैंड है। ये किस लिए दिया हुआ है, क्योंकि जब आप कर्ल करेंगे ना तो ये जो रॉड है ये पूरा गर्म हो जाता है। ये सब डिटेल्स तो आपको वहां पे मिल जाएगा, बट आपको जो याद रखना है, जो मेन थिंग है आपको याद रखना ही रखना है, कि ये एक हीट कर्लर है, तो हेयर डैमेज जरूर होगा। अगर कोई कंपनी क्लेम करता है कि आपका हेयर डैमेज नहीं होगा, तो आई डोंट थिंक के वो ठीक बोल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा भी डैमेज तो होगा ही। का हेयर है, इसको आप जला रहे हैं तो हेयर डैमेज तो होगा ही। हाँ, आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे, अगर जब भी आप कोई भी स्ट्रेटनर हो या फिर कर्लर हो, जो भी आप यूज कर रहे हैं, उससे पहले बालों को अच्छी तरह से कोई सीरम लगा लीजिए। जैसे कि मैं पहले लगाती थी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल अच्छी पोर्शन में लेके अगर आप अपने हेयर में लगा के कर्ल करते हो या फिर स्ट्रेट करते हो तो थोड़ा सा कम डैमेज होता है। बट सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज है वो है, आप कोई सा भी हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे खरीद लीजिएगा, अच्छा वाला, जो स्प्रे करने के बाद अगर आप कर्ल करते हैं या फिर स्ट्रेट करते हैं तो बालों का जो नुकसान होता है वो थोड़ा सा कम होता है। हाँ, ये तो नहीं है कि आप रेगुलर इसको यूज करेंगे, रेगुलर यूज नहीं कीजिएगा, कभी कभी ऑकेशनली अगर आप यूज करते हैं तो हाँ आप कर सकते हैं। मैं भी वही करती हूँ, मैं रेगुलरली या फिर बहुत ही फ्रिक्वेंटली नहीं यूज करती हूँ। तो ये आप इसको याद रखिएगा कि ये एक हीट कर्लर है, तो आपको बहुत ही ध्यान से समझदारी से इसको यूज करना है। मस्ट जो है कि आप अपने हेयर में एक हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे लगा लीजिए। मैंने रिसेंटली परचेस किया है बीब्लान का हेयर प्रोटेक्टिंग स्प्रे, जो कि आज मैं फर्स्ट यूज कर रही हूँ, और फर्स्ट यूज करने के बाद ही मुझे काफी अच्छा लगा। एकदम बहुत ही प्यारा साइज का स्मेल भी है और बालों में एक ग्लॉसीनेस भी देता है। अब बात है ये हेयर को कितने टाइम तक कर्ल रखेगा, कि ये डिपेंड करता है आप कैसे कर्ल किया है। अगर आप बहुत हीट करके टाइट कर्ल करते हो तो आई थिंक ये 4-5 घंटे तक रह जाएगा, लेकिन अगर आप मेरे तरह लूज वेवी कर्ल करना चाहते हो तो आपको ये पकड़ लीजिए 2-3 घंटे तक ही स्टे करेगा, क्योंकि मैंने जो हेयर कर्ल किया था वो मैंने 3 घंटा पहले किया था, तो अभी बहुत ही कम हो गया है। अगर आप चाहते हो कि आपका हेयर बहुत देर तक स्टे करे तो आप एक हेयर जो स्प्रे होता है ना, जो कर्ल को अच्छी तरह से पकड़ के रहता है, जो पार्लर में यूज होता है, वो स्प्रे खरीद लीजिएगा, तो आपका हेयर बहुत टाइम तक वो जो कर्ल है वो पकड़ के रहेगा, अदरवाइज ऐसा थोड़ा सा लूज लूज हो जाएगा। और इसका प्राइस है 1000
1100 के अंदर ही है। तो इस प्राइस में ये एक स्टील डील है। अमेजोन से फ्लिपकार्ट से आप खरीद सकते हो, वहां पे आपको बहुत सारा वेरिएंट में मिल जाएगा वेगा का, जैसे 01003 ऐसे करके बहुत सारा वेरिएंट में मिल जाएगा। मैंने पर्टिकुलरली 19mm का खरीदा है। ओके, सो फटाफट से मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे क्या कर्ड होता है, एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन। तो चलिए, सो मैं पहले अपने हेयर को ऊपर से थोड़ा सा टाई कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये है बी ब्लांड हॉट शॉट हीट प्रोटेक्शन हेयर मिस्ट, कुछ इस तरह ये दिखने में है। ये मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, कुछ 550 ऐसा कुछ इसका, या 550 प्राइस है, तो आपको सेल में थोड़ा सा कम में मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कोई हेयर स्प्रे यूज कर रही हूँ। यहाँ पे है विथ प्रो विटामिन B5 एंड ग्रेप सीड ऑयल। तो क्या करना है मुझे, इसको पहले अपने हेयर में लगाना है। आजा, क्यों नहीं रहा है अच्छी तरह से, हॉर्लिक्स कर दो ना 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 हॉर्लिक्स खाए ताले दा आमट्टा देवे किन्तु। अब इस साइड को मैं पहले कर्ल कर लेती हूँ, कैसा होता है मैं देख लेती हूँ, उसके बाद ये इसको करेंगे। हाँ, थोड़ा सा शाइनी लग रहा है ना। ये मैंने इसको ऑन कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा छोटा सेक्शन ले रही हूँ, उसको इसमें फंसा रही हूँ। ये हो गया है, एक और ट्राई करके दिखाती हूँ। तो ओके, मैं बाकी का जो हेयर है वो कर्ल करके अभी आती हूँ। तो कैसा रहा मेरा ये छोटा सा रिव्यू वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।